हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम जानने वाले हैं सारे आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, चाहे बात करें हम वो मेनलाइन आईपीओ जैसे पिरामिड हो गए, विष्णु हो गया, या फिर एरोफ्लेक्स, या फिर एसएमई कैटेगरी के जैसे कि बॉन्दादा हो गया या फिर कॉर्प लाइफ साइंस। तो एसएमई कैटेगरी के सारे आईपीओ, मेन लाइन के सारे आईपीओ का लेटेस्ट डिटेल, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जानेंगे हम। साथ में गाइज अपकमिंग आईपीओ में कुछ आईपीओ की डेट कंफर्म हुई और कुछ आईपीओ आने की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में भी आपके साथ डिटेल साझा करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको बेहतर तरीके से ये सारी जानकारी समझ में आ सके और आप इसका बेनिफिट उठा सको। तो वीडियो हम गाइज स्टार्ट करते हैं पहले मेन लाइन आईपीओ से। पहले नंबर पे है पिरामिड टेक्नोप्लास। पिरामिड टेक्नोप्लास का आपको अलॉटमेंट पता चल चुका होगा। अब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग है, तो गाइस लिस्टिंग डेट जो है वो 30 को निकलती हुई हमें दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज आए, कुछ रूमर्ड है कह सकते हो, कल मुझे एक सोर्स कह सकते हो, एक फ्रेंड कह सकते हो, जिसने बताया कि ट्यूजडे को लिस्टिंग इसकी हो सकती है और उसकी डिटेल जो है मंडे को आ सकती है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह इसको लो कि हो सकता है 29 को एक दिन पहले इसकी लिस्टिंग हो जाए। ये जरूरी नहीं है 100% कंफर्म हो, बट इसको एक 2% मान सकते हो कि ये न्यूज सही होती है, तो इसकी लिस्टिंग एक दिन पहले हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की 29 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे गाइस अब इसके लिस्टिंग के पहले मैं आपको लिस्टिंग लिस्ट स्ट्रेटजी दे दूंगा कि लिस्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, कैसे पैसे को मैक्सिमाइज करें, अपना जो गेन है अगर जो मिलता है या लॉस हो सकता है वो सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं संडे को या फिर मंडे को देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस ग्रे मार्केट की बात करें तो उसका जो करंट जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है वो 15 से 18 रुपए देने को मिल रहा है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का। अगले आईपीओ की बात करें गाइस तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री और बॉन्दादा इंजीनियरिंग एसएमई कैटेगरी का आईपीओ। इसके अलॉटमेंट को लेकर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी, अलॉटमेंट कब आएगा, लेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कब चेक करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ थंबनेल देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको एरोफ्लेक्स एंड बॉन्दादा इंजीनियरिंग अलॉटमेंट स्टेटस के नाम से वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो यहाँ पे इस एरोफ्लेक्स की बात करें, एक बार डेट्स देख लेते हैं। इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 29 है, सब्सक्रिप्शन ओवर हो चुका है और लिस्टिंग जो है 1st ऑफ सितंबर रहने वाली है। जो साइज है 351 करोड़ का, 160 रुपए प्राइस बैंड रखा गया था 2 की फेस वैल्यू पे। बात करेंगे यहाँ पे हम रिटेल कोटे की, तो 35% कोटा रखा गया है। अब अलॉटमेंट आएगा तब पता चले किसको किसको मिला है, तो आपने अप्लाई किया है नहीं किया है ये भी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में एरोफ्लेक्स में, और कितने लॉट कितनी आईडी से अप्लाई किया है ये चीज जरूर बताना, ये काफी हेल्प मिलती है लिस्टिंग डे वाले में जब हम प्रेडिक्शन करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी की, ठीक है। बात करोगे इसे करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जो करंट जीएमपी है वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है। आपको याद होगा कल के दिन जो जीएमपी था वो हमें कम देने को मिल रहा था, करीब 65 के आसपास, लेकिन अभी जो जीएमपी है वो 68 से 70 देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं बायर जो है वो 71 में भी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 68-70 की अच्छी डिमांड और 71-72 में भी लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे डिमांड फिर से पुश हुई। और मैंने आपको कल वाली और परसों वाली वीडियो में बताया था ना, यहाँ पे गेम चलता रहता है, एक बार ये अलॉटमेंट के पहले फिर से करेंगे, मतलब कि इसका डिमांड डाउन करेंगे, फिर नीचे के लेवल पे बाई करेंगे और ऊपर के लेवल पे सेल करेंगे। तो ये एक अच्छा गेम होता है किसी भी अच्छे आईपीओ में ग्रे मार्केट में, और इस चीज को समझना जरूरी है, आपको मैं हमेशा ही बताता हूँ, ठीक है। अब अगला आईपीओ जानने से पहले इस इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस मत करना, अगर जो आपने अभी तक टेलीग्राम हैंडल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इसका लिंक मिल जाने वाला है, देख लो आप। यहाँ पे करीब 5 इंट्राडे कॉल दी गई थी जिनमें से 4 हिट रही, 1 एक्टिव नहीं हुआ, उसके बाद देख लो 85 पॉइंट का जैकपॉट गेन देने को मिला, अगर जब इसको जैकपॉट कहते हो तो, ठीक है, बट नहीं कहते हो तो 85 पॉइंट गेन बैंक निफ्टी में डिसेंट तो कह ही सकते हैं, ठीक है। उसका देख लो लर्निंग पर्पज से यहाँ पे ऑडियो और आपको चार्ट देने को मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज देने को मिल जाती है, देख लो डब्ल्यू पैटर्न बना था हमने वीडियो के साथ शेयर कर दिया था, और 190 पॉइंट गेन बुक करवाया एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, उसके एक दिन पहले फ्राइडे के। उसका देख लो यहाँ पे इंट्राडे कॉल देखने को मिल जाती है 4 से 5, एक में एसएल भी हिट हुआ है, ये उसके एक दिन और पहले का है, स्विंग कॉल देखने को मिला है, यहाँ पे देख लो 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गेन, यहाँ पे देख लो 410 पॉइंट का जैकपॉट गेन, आई होप अब इसको आप जैकपॉट कहते होंगे। उसका 280 पॉइंट गेन, फिर 80 पॉइंट गेन, तो निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे कॉल के लिए फटाफट चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे इस चैनल का लिंक आपको मिल जाने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो। इस चैनल पे 19.2 के सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे, सही चैनल से ढूंढना, लिंक नहीं काम कर रहा हो तो नाम से फाइंड करना, पर सही चांस है ढूंढना, दूसरा जो भी चैनल है फेक है हमारे नाम से। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विष्णु प्रकाश के बारे में। विष्णु प्रकाश का गाइस मंडे को लास्ट डेट है और आपको कल इसका एक डिसीजन वीडियो देखने को मिल जाएगा, अप्लाई करना है नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको वो वीडियो बहुत कुछ हेल्प करने वाली और बहुत कुछ सिखाने वाली है। मार्केट के कुछ कमियां, मार्केट के कुछ फेक चीजें जो आपको नहीं पकड़ में आती है वो आपको पकड़ना सिखाऊंगा, और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो फाइनल डिसीजन वाली वीडियो, ठीक है, इसका जो मैं कल डालने वाला हूँ संडे को, ठीक है, विष्णु प्रकाश का। यहाँ पे डेट्स देख लो एक बार आप, 24 को ओपन हुआ था, 28 को क्लोज हो जाने वाला है, यानी कि मंडे को 1st ऑफ सितंबर को अलॉटमेंट और 4th ऑफ सितंबर को इसकी लिस्टिंग डेट रहने वाली है। 10 की फेस वैल्यू पे 99 रुपीज प्राइस बैंड आया है इसका। बात रहेगा इस करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें थोड़ा डाउन देने को मिला है, 60 रुपए करीब था, वहां से डाउन देने को मिला, अभी 53 से 55 रुपए का जीएमपी निकलता हुआ हमें
दिख रहा है। और यहीं पे बता दूं कि जो विष्णु प्रकाश के वीडियो की मैंने बात की है ना, वो रेडी पड़ी हुई है, बट अभी लेट हो जाएगा इसलिए मैं आज नहीं डाल रहा हूँ, मतलब सैटरडे को। और अगर जो ये वीडियो आप संडे को देख रहे हो जीएमपी वाले ना, तो अगले दिन भी यही ग्रे मार्कर निकलता हुआ दिखेगा। किसी वेबसाइट पे और कहीं ऐप पे आप चेक करते हो तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन रहता है, इसलिए है क्योंकि उनको चाहिए कि आप बार बार आके चेक करो और उनका एड रिवेन्यू बढ़े, ठीक है, ये बात है। वरना आपको जीएमपी में इतनी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं सिर्फ रात को वीडियो डालता हूँ। और आप देख लो जो वीडियो हम डालते हैं मैक्सिमम टाइम में मार्केट उसको फॉलो करके लोग अपडेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। छोटा चैनल है, बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोग फॉलो करते हैं और बहुत बार देखा है मैंने। इवन आपको लाइव चैट्स भी दिखाए हैं ग्रे मार्केट के, ठीक है, जो डीलिंग होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपकमिंग आईपीओस की। पहला नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, डेट्स एक बार आप देख लो, 30 को ओपन होगा, फर्स्ट क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 6 सितंबर को रहने वाली है, 11 सितंबर को होगी इसकी लिस्टिंग डेट। और गाइस स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 441 का प्राइस बन लाया है, जो साइज है वो 490 करोड़ का है, यानी कि ठीक साइज है, बहुत बड़ा नहीं है। बात रह गई इसके रजिस्टर के, तो केफिनटेक है और रिटेल के लिए 35% कोटा रखा गया है। ग्रे मार्केट की बात रह गई ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें 50 से 55 रुपए देने को मिल रहा है, जो ये काफी कम है। 50 से 55 इसलिए कम है क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है वो आप देखो 441 रुपए का है, ठीक है। तो कितना परसेंट गेन होता है आप कमेंट सेक्शन बताना जरूर। 441 के प्राइस बैंड पे अगर जो 55 रुपए पर शेयर जीएमपी की डिमांड है। आगे बढ़ते गाइस बात कर लेते हैं हम एक आईपीओ जो की डेट फाइनल हो चुका है बट अभी तक प्राइस बैंड नहीं आया। रतनवीर इसका नाम है, ये आईपीओ 4th को ओपन होगा, 6th को क्लोज होने वाला है। और जो जीएमपी है वो 22 से 24 रुपए निकलती हुई दिख रही है, बट ये जीएमपी क्लियर नहीं होती है क्योंकि प्राइस बैंड क्लियर नहीं है। पता नहीं अगर जो 20 रुपए इसका प्राइस बैंड आ जाए सपोज, तो 100% गेन हो गया। अगर जो 200 आ गए तो कम हो गया। तो यहाँ पे प्राइस बैंड जब क्लियर हो जाता है तभी जीएमपी की डिमांड जेन्युइन होती है, वरना फिर वैसे ही बस लोग डील करते हैं, बाद में कैंसिल भी कर देते हैं, ठीक है, तो वो पक्की डील नहीं होती है। इसके साथ ही इस बालाजी स्पेशलिटी केमिकल की डेट्स भी आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। एक बार डेट आया था कैंसिल हो गया था, सितंबर के 2nd वीक या फिर 3rd वीक में आईपी आपको देखने को मिल सकता है। ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड है 40-45 रुपए की, बट वही हवाबाजी वाली डिमांड है, कोई भी उसमें कंफर्म डिमांड नहीं होती क्योंकि प्राइस बैंड नहीं फाइनल है, डेट भी फाइनल नहीं है, तो डिमांड कैसे मान ले इसको हम, ठीक है। उसके साथ ही गाइस एक और आईपीओ ने कर दिया है सेबी के साथ डीआरएसपी फाइल, ये भी आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है, मेडी असिस्टेंट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईपीओ भी आपको सितंबर में देखने को मिल सकता है। और सितंबर और अगस्त में आने वाले आईपीओ की मैंने एक लिस्ट बनाई थी कुछ 15 दिन पहले, अपकमिंग वीडियोस के नाम से दे दूंगा। सितंबर में कुछ आईपीओ जो आने वाले हैं उसकी भी लिस्ट उस वीडियो में है, वीडियो पुरानी है बट इन्फॉर्मेशन काम किया, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपकमिंग आईपीओ इन सितंबर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपकमिंग आईपीओ होते हैं खत्म, अब हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे गाइस एसएमई आईपीओ की लिस्ट में पहला नाम है सूरा डिजाइंस, जो कि 29 को लिस्ट हो जाने वाला है और इसका ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, मतलब 0 जीएमपी है। कॉर्प लाइफ साइंस की बात करूं गाइस, इसका जो जीएमपी हमें वो 5 से 6 रुपए माइनस में देने को मिल रहा है, जिन्होंने खरीद रखा है वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं लॉस में। बंदादा इंजीनियरिंग की बात करूं गाइस, अलॉटमेंट के लिए लोग वेट कर रहे हैं, मैंने बताई आपको, वीडियो डाल दिया यहाँ पे, थंबनेल लगा रहा हूँ, जाके देख रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल बंदादा की रखी है। करंट जो ग्रे मार्केट में है वो हमें 48 से 50 रुपए देखने को मिल रहा है। अगला आईपीओ है गाइस सनगाना एनर्जीज, बात करें से ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें 45 से 46 रुपए देखने को मिल रहा है। अगला आईपीओ गाइस सहाज फैशन, जिसका डे 1 था 25 को, सब्सक्रिप्शन 1.14 टाइम होता हुआ दिखा है। बात करें इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें 2 से 3 रुपए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेगा इस बात कर ले अपकमिंग आईपीओ के लिस्ट में, तो मोनो फार्मेसी, ये आईपीओ एसएमई कैटेगरी का है, 28 को ओपन होगा और 30 को क्लोज होने वाला है। उसके बाद गाइस सीपीएस सेपर्स लिमिटेड, ये आईपीओ 29 को ओपन होने वाला और 31 को क्लोज होने वाला है। सीपीएस में डिमांड निकल रही है गाइस, प्राइस बैंड इसका जो है वो आप देख लो 85 रुपीज का है, और जो करंट जीएमपी देने को मिल रही है वो अराउंड 60-61 रुपए देने को मिल रही है। और यहाँ पे बता दूं इसका मोनो फार्मा कोई भी डिमांड ग्रे मार्केट में नहीं है। तो गाइस आगे बढ़ लेते हैं, एक और आईपीओ है एसएमई का जो कि बहुत ही शानदार है, बेसलिक फ्लाई स्टूडियो। यहाँ पे गाइस ऑफर का जो प्राइस बैंड है वो 97 रुपीज का है, एक लॉट में करीब 1200 शेयर मिलने वाले हैं। और गाइस का ग्रे मार्केट में जो निकलता हुआ दिख रहा है वो 110 से 115 निकलता दिख रहा है। 97 का प्राइस बैंड, 115 का जीएमपी का मतलब है करीब 110-112% का ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा अभी से डबल है, जो कि 1 सितंबर को ओपन होगा। अगर जो आपको इस आईपीओ में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू जरूर दे देने वाला हूं। और साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में थोड़ी सी हेल्प आपकी बनती है। तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो का, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।